रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों और रोहिंग्यांगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम उनको लात मारकर भगाएंगे। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल के लागू न होने के चलते रीवा कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा ने धरना दिया। भाषण के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि विदेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लात मारकर भगाएंगे। इसके बाद सांसद जनार्दन मिश्रा थोड़ा सा बहक गए। उन्होंने कहा कमलनाथ हो चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो हमें रोक कर दिखाएं। एक्ट बन चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, अब से तुम बोल देना कि हम यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता तुम दोगे, तुम्हारी सोनिया गांधी देंगी, तुम्हारे बाप भी देंगे और तुम्हारे परदादा जवाहरलाल नेहरू को भी देना पड़ेगा। कमलनाथ हो चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो रोक के हिम्मत हो तो दिखाओ। एक्ट बन गया है, कल राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, अब परसों से तुम बोल देना कि हम यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता तुम दोगे, तुम्हारी सोनिया गांधी देगी, तुम्हारे बाप देंगे, तुम्हारे परदादा देंगे, जवाहरलाल नेहरू को देना पड़ेगा। यहाँ नागरिकता कोई रोक सकता है? नागरिकता रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।